हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग ऑर्फन मैसेजेस एंड डोमिनो इफेक्ट। ओके, दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑर्फन मैसेजेस। ओके, अ सिचुएशन वेयर एक्स हैज रिसीव्ड मैसेज एम फ्रॉम एक्स फ्रॉम वाई, बट वाई हैज नो रिकॉर्ड ऑफ सेंडिंग इट, which corresponds to an inconsistent state. Okay, M is referred to as an orphan message, and process X must be also rolled back because Y interacted with X after establishing its recovery point Y2. Okay, तो ये ऐसी situation है जब X message receive करे M Y से, और Y के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि उसने ये मैसेज भेजा है। ठीक है, इसकी वजह से एक इनकंसिस्टेंट स्टेट एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट स्टेट, तो इस इनकंसिस्टेंट स्टेट को रिमूव करने के लिए दूसरी प्रोसेस को भी रोल बैक करना होता है। ठीक है, एम इज रिफर्ड टू एज ऑर्फन मैसेज, और ये इस एम मैसेज जो कि एक्स को रिसीव हुआ है जिसका सेंडर नहीं कंफर्म है, तो वो ऑर्फन मैसेज कहलाता है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। क्लियर, एंड प्रोसेस एक्स मस्ट आल्सो हैव रोल बैक, इसी वजह से एक्स प्रोसेस भी रोल बैक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वाई ने एक्स से रिकवरी पॉइंट के बाद इंटरैक्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो। ये एक सिस्टम है जहां पे एक्स वाई एंड जेड तीन प्रोसेसेस हैं। एक्स प्रोसेस में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये तीन चेक पॉइंट हैं। इसी तरीके से वाई में वाई वन वाई टू ये दो चेक पॉइंट हैं आपके, और जेड प्रोसेस में जेड वन जेड टू ये चेक पॉइंट हैं। आप कह सकते हो इनको रिकवरी पॉइंट। क्लियर, जैसे अगर सपोज वाई ने एम मैसेज भेजा है जेड को, और जेड प्रोसेस यहां कहीं पे फेल हो जाती है, तो जेड प्रोसेस फर्दर अपने आप को रिकवर करके यहां पे पहुंचाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो वाई ने मैसेज भेजा था एम, वो लॉस हो जाएगा जब ये रिकवर करेगी तब। ठीक है, ये इसका रिकवरी पॉइंट का मतलब है, चेक पॉइंट रिकवरी पॉइंट आप इनको कह सकते हो। ठीक है, तो यहां पे देखिए वाई प्रोसेस ने एम मैसेज भेजा है एक्स प्रोसेस को एक्स वन चेक पॉइंट के बाद। ठीक है, क्लियर। अब ये मैसेज एक्स प्रोसेस पे पहुंचा, और वाई प्रोसेस मैसेज भेजने के बाद यहां कहीं पे फेल हो जाती है। ठीक है, सपोज यहां पे फेल्योर अकर हो जाता है, यहां पे वाई प्रोसेस फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप को इस चेक पॉइंट पे ले जाएगी, वाई वाई वन पॉइंट पे अपने आप को रिस्टोर करेगी। ठीक है, अब एक्स प्रोसेस देखेगी कि ये मैसेज किस प्रोसेस ने सेंड किया है, तो इस एम प्रोसेस का जो सेंडर है वो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाई प्रोसेस यहां पे रोल बैक होके आ गई है। ठीक है, तो ये जो मैसेज है जो एक्स को रिसीव हुआ है एक्स वन चेक पॉइंट के बाद, तो ये मैसेज एज ए ऑर्फन मैसेज ट्रीट होगा। तो इस मैसेज को हम बोलेंगे ऑर्फन मैसेज। तो ये एम आपका जो मैसेज है वो एज ए ऑर्फन मैसेज कहलाएगा। ठीक है, तो अब चूंकि इस एम मैसेज का सेंडर कंफर्म नहीं है, इस वजह से एक्स प्रोसेस भी अपने आप को रोल बैक कर लेगी। ठीक है, इस एक्स वन चेक पॉइंट पे आ जाएगी। और क्यों? क्योंकि डेटा इनकंसिस्टेंट अगर ना हो, इस वजह से। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है ये ऑर्फन मैसेज कहलाता है। ठीक है, ये आपका एम मैसेज जो है वो ऑर्फन मैसेज है। क्लियर, इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है इसमें डोमिनो इफेक्ट। तो डोमिनो इफेक्ट एक रियलिस्टिक आपकी प्रॉब्लम है जो कि जम्मू कश्मीर में खासकर देखने को मिलती है। मैं अभी आपको इस डायग्राम के बाद एक्सप्लेन करता हूं। तो डोमिनो इफेक्ट आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता है वो है, दिस इफेक्ट अकर्ड वेयर रोलिंग बैक वन प्रोसेस कॉजेस वन और मोर प्रोसेसेस टू रोल बैक इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन या ऐसा इफेक्ट है डोमिनो इफेक्ट जब एक सिंगल प्रोसेस के रोल बैक होने से उस सिस्टम में और प्रोसेसेस को रोल बैक होना हो पड़ जाए, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज डोमिनो इफेक्ट। क्लियर, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से अ सिचुएशन वेयर सिंगल प्रोसेस द रोलिंग बैक ऑफ सिंगल प्रोसेस कैन लीड
rolling back of several processes in that system is known as domino effect. Clear? आप example के तौर पे देख सकते हो, if Z is rolled back, all three processes must be rolled back to their points name. उनके name क्या है? X1, Y1 and Z1. तो अगर Z process roll back होती है, तो Y1 और Y2 जो Y और Z जो process हैं, X और Y भी roll back करेंगी अपनी checkpoint पे X1, Y1 and Z1 checkpoint पे. ठीक है? क्लियर? तो ये आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, अगर एक जेड प्रोसेस रोल बैक हो रही है तो एक्स और वाई जो कि उस सिस्टम में प्रोसेस है वो भी रोल बैक हो जाएंगे. ठीक है? कैसे देखते हैं डायग्राम से. यहाँ एक सिस्टम हमारे पास है जिसमें एक्स वाई जेड तीन प्रोसेसेस हैं. एक्स प्रोसेस में जो चेक पॉइंट है वो X1, X2, X3 ये तीन चेक पॉइंट है. इसी तरीके से वाई प्रोसेस में Y1, Y2 ये दो चेक पॉइंट है और जेड प्रोसेस में Z1 और Z2 ये दो चेक पॉइंट है. ठीक है? अब आप डायग्राम से देख सकते हो कि जेड प्रोसेस ने Z1 चेक पॉइंट के बाद एक मैसेज भेजा है X को. ठीक है? जो कि X1 चेक पॉइंट के बाद रिसीव हुआ है. ठीक है? इसी तरीके से Y प्रोसेस ने Y1 चेक पॉइंट के बाद एक मैसेज भेजा है जेड प्रोसेस को, जो कि Z1 चेक पॉइंट के बाद रिसीव हुआ है. इसी तरीके से जेड प्रोसेस ने Z2 चेक पॉइंट के बाद एक मैसेज भेजा है वाई प्रोसेस को, जो कि Y2 चेक पॉइंट के बाद रिसीव हुआ है. ओके? और वाई प्रोसेस Y1 चेक पॉइंट के बाद एक M मैसेज X प्रोसेस को भेजा है, जो कि X1 चेक पॉइंट के बाद रिसीव हुआ है X प्रोसेस को. ठीक है? तो सपोज अगर ऐसा सिनारियो हो कि जो प्रोसेस है वो मैसेज भेजने के बाद Z1 चेक पॉइंट के बाद जो मैसेज भेजा इसने X1 को है, X प्रोसेस को, तो इस मैसेज को भेजने के बाद फेल हो जा रही है. सपोज यहां पे फेल हो जा रही है, यहां कहीं पे फेल, ये Z प्रोसेस फेल हो जा रही है, तो इस फेल्योर को रिमूव करने के लिए Z प्रोसेस अपने आप को चेक पॉइंट पे लेके जाएगी, तो Z1 चेक पॉइंट पे रिस्टोर करेगी अपने आप को. ठीक है? बैकअप करेगी. तो ये जो मैसेज भेजा गया था Z1 चेक पॉइंट के बाद वो एज अ लॉस हो जाएगा. वो X1 के पास पहुंचा है, बट उसका X1 ये डिटरमाइन करेगा कि जो मैसेज आया है X1 के बाद रिसीव हुआ है, ये मैसेज का सेंडर कौन है. तो Z तो अपने आप को रिकवर कर लिया है, तो उसके पास डिटेल मिलेगी नहीं. ठीक है? तो X के लिए जो M मैसेज Z से रिसीव हुआ है वो एक्ट एज ए ऑर्फन मैसेज हो जाएगा. ठीक है? और इसकी वजह से इनकंसिस्टेंट स्टेट अगर हो जाएगी. ठीक है? तो X क्या करेगा, इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए X भी रोल बैक करके X1 पे आ जाएगा. ठीक है? इसी तरीके से Y ने मैसेज भेजा था Z को, जो कि Z1 चेक पॉइंट के बाद रिसीव हुआ है ये, तो चूंकि Z अपने आप को रोल बैक कर चुकी है इसलिए रिसीविंग की हिस्ट्री डिलीट हो चुकी है Z प्रोसेस से. तो Y जो प्रोसेस है उसके पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि उसने, Y के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो M मैसेज किसको भेजा है. ठीक है? क्योंकि रिसीवर Z के पास ये डिटेल है नहीं कि उसको मैसेज रिसीव हुआ है, क्योंकि उसने रोल बैक कर लिया अपने आप को. तो Z भी इस डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए अपने आप को रोल बैक कर लेगी और Y1 पे पहुंच जाएगी. इसलिए Z प्रोसेस के रोल बैक होने से X और Y दोनों प्रोसेस रोल बैक होके X1 और Y1 पे पहुंच जाएंगी. ठीक है? तो ये एक सिंगल प्रोसेस Z के रोल बैक होने से X और Y दोनों प्रोसेस को रोल बैक होना पड़ रहा है. दिस सिचुएशन इज नोन एज डोमिनो इफेक्ट. ठीक है? ये रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में हो जाता है कहीं भी लेकर. जैसे एक ये सिंगल रूट की एक रोड है जिसमें सबसे पहले ऑटो है, फिर बस है, फिर कार है. सबसे ज्यादा स्पीड है कार की, फिर बस की, फिर सबसे स्लो है ऑटो की. अब सबसे चूंकि आगे ऑटो है तो इसकी इससे आगे ओवरटेक कर नहीं सकते ये बस और कार, तो ऑटो की स्पीड से ही बस और कार को मूव करना पड़ेगा, जबकि कार और बस में इफिशियंसी ज्यादा स्पीडली मूव करने की है. इसलिए ऑटो की जो स्पीड पे ये सभी मूव करेंगी, इस वजह से कार और बस की इफिशियंसी लेस हो रही है ड्यू टू ऑटो. ठीक है? तो ये सिचुएशन आपकी डोमिनो इफेक्ट कहलाती है. ठीक
ठीक है, सिंगल रूट की सड़क है, सबसे पहले ऑटो है, उसके पीछे बस है, उसके पीछे कार है, ठीक है। तो ऑटो सबसे स्लो चल रहा है तो उसी की गति से बस को मूव करना पड़ेगा और कार को भी मूव चलना पड़ेगा, जबकि कार और बस में स्पीड ज्यादा है और वो स्पीड काम इफिशियंसी वर्क कर नहीं पा रही क्योंकि आगे ऑटो चल रहा है, सिंगल रूट की सड़क है। तो यही रीजन है, मतलब सिंगल प्रोसेस की इफिशियंसी पे बाकी प्रोसेसेस का आउटकम डिपेंड कर रहा है। दिस सिचुएशन इज नोन एज डोमिनो इफेक्ट। ओके, अब आपका थर्ड है लॉस्ट मैसेज। तो लॉस्ट मैसेज क्या है, इफ वाई फेल्स आफ्टर रिसीविंग एम द सिस्टम इज restored to state x1 y1 in which message m is lost as process x is past the point where it sends message m। ठीक है, तो lost message का मतलब है अगर sending process message send करने के बाद फेल हो रही है तो वो अपने आप को रिकवर करने के लिए प्रीवियस चेक पॉइंट पे पहुंचेगी। ठीक है, तो रिसीवर इंड पे जो रिसीविंग प्रोसेस है उस पे मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, और अगर तो वो मैसेज रिसीविंग प्रोसेस डिटरमाइन करेगी कि उसको सेंड किसने किया है। ठीक है, तो उसको सेंडर डिटरमाइन नहीं होगा तो इस वजह से वो मैसेज उसको एज ए ऑर्फन मैसेज ट्रीट होगा। ओके, और अगर हम बात करते हैं रिसीवर रिसीविंग पॉइंट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर सपोज ऐसा हो कि जो प्रोसेस रिसीव कर रही मैसेज को है, यहां डायग्राम से देख सकते हैं आप, वो सपोज ये एक सिस्टम है जहां पे एक्स और वाई प्रोसेस है, एक्स प्रोसेस का चेक पॉइंट एक्स वन और एक्स टू है, वाई प्रोसेस का जो चेक पॉइंट है वाई वन और वाई टू है। तो एक्स प्रोसेस ने एक्स चेक पॉइंट के बाद, एक्स वन चेक पॉइंट के बाद मैसेज भेजा है वाई वन को, जो कि वाई वन चेक पॉइंट के बाद रिसीव हुआ है। ठीक है, अब अगर वाई प्रोसेस मैसेज रिसीव होने के बाद यहां कहीं फेल हो जा रही है, तो फेल हो जा रही है यहां पे, तो अपने आप को रिकवर करने के लिए वाई वन चेक पॉइंट पे पहुंच जाएगी, रिकवर इस चेक पॉइंट पे। ठीक है, और एक्स प्रोसेस वेट करेगी कि वाई प्रोसेस मेरे को एक्नॉलेज दे मैसेज का। ठीक है, तो वाई प्रोसेस अपने आप को रोल बैक करके वाई वन चेक पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक, तो इसकी इंफॉर्मेशन एक्स के पास पहुंच नहीं पाएगी, तो एक्स प्रोसेस का जो मैसेज है वो लॉस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई के पास कोई रिकॉर्ड है नहीं रिसीव का। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी लॉस्ट मैसेज कहलाती है। मींस अ प्रोसेस इन विच रिसीविंग प्रोसेस रिसीव्ड द मैसेज एंड फेल इन फर्दर एंड इट रोल बैक टू इट्स इनिशियल चेक पॉइंट, देन मैसेज इज लॉस्ट। ओके, दिस सिचुएशन इज नोन एज लॉस्ट मैसेज। ओके, तो आप देख सकते हो अगर जो प्रोसेस रिसीव की मैसेज है वो मैसेज रिसीव करने के बाद अगर फेल हो जाती है तो वो अपने आप को रिकवरी पॉइंट पे जाके बैकअप करेगी चेक पॉइंट पे। ठीक है, तो उसका जो मैसेज रिसीव हुआ था वो डिटेल अनअवेलेबल हो जाएंगे, जबकि सेंडिंग प्रोसेस वेट करेगी कि मुझे एक्नॉलेज मिले। तो ये सिनारियो, ये सिचुएशन लॉस्ट मैसेज कहलाता है। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो आप, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।